दोस्तों भारत में नहाना रूटीन से कहीं ज्यादा एक रिचुअल की तरह माना जाता है। अगर सही तरह से नहाया जाए तो ये बॉडी को एनर्जाइज करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, थकान, पसीना, गंदगी और टॉक्सिन्स को दूर भगाता है। हालांकि 99% लोग सही ढंग से नहीं नहाते, जिस वजह से नहाने के फायदे लेने के बजाय वे अनइंटेंशनली अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। आप भले ही नहाने के बाद फ्रेश फील करते हो, लेकिन आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। गलत ढंग से नहाने से डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल, रफ स्किन, वीक इम्यूनिटी, वीक डाइजेशन, लेथार्जी, इवन माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है नहाने का सही तरीका, तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। नहाने को हमेशा से ही भारतीय कल्चर में बॉडी के शुद्धिकरण के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे चाहें वैसे नहाने लग जाएं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कितनी डिटेल में हमारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में नहाने के सही तरीके पे बात की है और कितना कम ही आम जनता इस बारे में जानती है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 6 रीजंस कि आप गलत तरीके से नहा रहे हैं और कैसे उन्हें ठीक किया जाए। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब, कैसे और कितनी बार नहाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को फायदा हो ना कि नुकसान। नंबर 6, गर्म पानी से नहाना। ये बात जान के आप में से काफी लोग शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, लेकिन गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। हमेशा ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। और जब मैं ठंडा पानी कह रहा हूँ तो इसका मतलब बर्फ वाला पानी नहीं, बल्कि नॉर्मल रनिंग टैप वाटर। गर्म पानी से नहाने से आपके सेंसेस अच्छे से खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको वो एनर्जी नहीं मिलती और आप बड़ी जल्दी ही लेथार्जिक फील करने लग जाते हैं। रोज गर्म पानी से नहाने से डार्क सर्कल्स, कमजोर पाचन शक्ति, लो इम्यूनिटी और हेडेक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऊपर से गर्म पानी को सर पे डालना बालों, आंखों और ब्रेन के लिए काफी डैमेजिंग हो सकता है। इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं और माइग्रेन भी हो सकता है। कुछ ही मेडिकल कंडीशंस जैसे कि अर्थराइटिस, फीवर वगैरह में हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। अगर आप गर्म पानी से नहाने की आदत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो एटलीस्ट हल्के गुनगुने पानी से नहा लें। लेकिन किसी भी केस में गर्म पानी को सर पे या आंखों पे बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। फिर किस डायरेक्शन में आप अपने शरीर पे पानी डालते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो पहले सिर पे पानी डालें और फिर पैरों की तरफ जाएं। वहीं अगर आप गुनगुने पानी से नहा रहे हैं तो पहले पैरों को गीला करें और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ें। नहीं, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि इससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपरली मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बनते। इसलिए ठंडे पानी से नहाने की आदत डालें, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को सुबह सुबह एनर्जाइज करने का। नंबर 5, खाना खाने के बाद नहाना। खुद एक्सपेरिमेंट करें। एक दिन पहले खाना खाएं और फिर नहाएं, फिर दूसरे दिन पहले नहाएं और फिर खाना खाएं। ऑब्जर्व करें कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कैसा रहता है आपका डाइजेशन, कितनी भूख लगती है आपको, वगैरह वगैरह। मोस्ट लाइकली आपको दूसरे केस में बेहतर महसूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइजेशन के लिए बॉडी की बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो पेट की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब आप खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पेट में जिस ब्लड की जरूरत थी, वो स्किन लेयर्स पे ट्रांसपोर्ट होने लगता है। इस वजह से पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, आंतें कमजोर होने लगती हैं और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जैसे कि कब्ज वगैरह की दिक्कत आने लगती है। अगर आप किसी कारण खाने के बाद नहाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप जरूर रखें। नंबर 4, नहाने से पहले ऑयल मसाज ना करना। नहाने से पहले तेल से शरीर की मालिश नहाने की इफेक्टिवनेस को कई गुना बढ़ा देती है। ऐसा बहुत कम लोग ही जानते हैं। जब हम नहाने से पहले ऑयल मसाज करते हैं तो ऑयल अपने साथ गंदगी और टॉक्सिन्स को अटैच कर लेता है, जिससे फिर हम नहाते हुए बड़ी आसानी से धो पाते हैं। यही रीजन है कि ट्रेडिशनली भारत में नहाना कभी भी पानी से शुरू नहीं होता था, बल्कि एंड होता था। आयुर्वेद की संहिताओं में नहाने से पहले तेल से मसाज, जिसे अभ्यंग कहते हैं, इस पर बहुत स्ट्रेस डाला गया है। हालांकि हमारे मॉडर्न बिजी लाइफस्टाइल में इस प्रैक्टिस को रोज रोज करना शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो जरूर नहाने से पहले सेल्फ मसाज करें, जैसे संडे को कर सकते हैं। पर्सनली मैं तो रोज अभ्यंग करता हूं, बस 5 मिनट लगते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए भी मसाज करने से आपको नहाने का बहुत फायदा होगा, जिससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे और स्किन भी ग्लो करेगी। आप मसाज के लिए नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, डेड स्किन को रिमूव ना करना। क्या आप नहाते हुए अच्छे से डेड स्किन को रिमूव कर पाते हैं? शायद नहीं। क्या आपको पता है कि साबुन से धोने के बाद भी काफी बार डेड स्किन सेल्स रिमूव नहीं हो पाते? इसलिए 2 चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। पहली तो नहाते हुए स्क्रबर का इस्तेमाल करें। पर्सनली मैं नेचुरल स्क्रबर का इस्तेमाल करता हूँ, जो ना ही सिर्फ इको फ्रेंडली है, बल्कि प्लास्टिक लूफा के मुकाबले कई गुना सस्ता भी है।
बहुत आसान है इसे यूज करना। बॉडी पे सोप लगा लें, लूफा को गीला कर लें, एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें और बस फिर अच्छे से शरीर पे रगड़ें। इसे रेगुलरली यूज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और स्किन के छोटे छोटे पोर्स में से ऑयल और गंदगी भी बाहर निकल जाती है। एक और मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं वो ये कि नहाने के बाद वो बड़े हल्के हाथों से अपनी बॉडी को पोंछते हैं। एक्चुअली टॉवल को थोड़े प्रेशर से पूरी बॉडी पे रब करना चाहिए। इन दोनों चीजों को करने से डेड स्किन सेल्स की लेयर बड़ी आसानी से निकल जाएगी, जिससे स्किन का ग्लो बहुत बढ़ जाएगा। नंबर 2, रॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बाथ। क्या आप जल्दी से बाथरूम में घुसते हैं, शावर ऑन किया, जल्दी से साबुन लगाया, धोया और टॉवल से पोंछ पाँछ के बाहर आ गए, या फिर आप घंटों बाथरूम में शरीर पे पानी डालते रहते हैं? आइडियली आपको इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आना है। नहाना सिर्फ शरीर को साफ करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके माइंड और सोल को भी रिजुविनेट करना चाहिए। आराम से नहाना चाहिए काम माइंड के साथ, तभी आप नहाने के पूरे बेनिफिट्स को फील कर पाएंगे। आयुर्वेदिक टेक्स्ट की माने तो नहाते हुए डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हालांकि इन सब का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा टाइम तक नहाते रहें। बहुत ज्यादा पानी डालना या एक्सेस में साबुन लगाने से स्किन ड्राई और रफ हो जाती है। इवन दिन में भी बहुत ज्यादा नहाना ठीक नहीं है, एक बार नहाना तो कंपलसरी है, सुबह नहाना आइडियल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 रीजन कि आप गलत तरीके से नहा रहे हैं वो ये कि आप टॉक्सिक बेदिंग प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं। कौन सा साबुन, बॉडी वॉश, शावर जेल या शैम्पू आप यूज करते हैं? क्या आपने कभी अपने बेदिंग प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक किया है? आप शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के कि भारतीय मार्केट में 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिनरल ऑयल, सल्फेट्स, पैराबेंस, हार्श अल्कोहल, सिलिकॉन्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, कलर्स, जो फायदा नहीं बल्कि स्किन को अंदर से डैमेज करते हैं। क्योंकि हम इन प्रोडक्ट्स को रोज इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे इनके टॉक्सिन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाने लगते हैं, जिससे रफ स्किन, हेयर फॉल, डैंड्रफ, एलर्जीज होने लगती हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एक बार उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को जरूर पढ़ें। सिर्फ इस एक हैबिट से आपको स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स में काफी रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, नहाने से हीलिंग होती है, बॉडी प्यूरिफाई होती है, एनर्जाइज होती है। आपको बस सही तरीके से नहाना चाहिए। अगर आप टॉक्सिन फ्री फेस स्क्रब खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चारकोल, अखरोट, कॉफी, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल युक्त मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब डीप एक्सफोलिएशन के लिए इफेक्टिव है। अच्छी बात यह है कि इस फेस स्क्रब में कोई भी हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना कोई सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक कलर। मामा अर्थ का ये चारकोल फेस स्क्रब है फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन। मेन और वेमेन दोनों ही इस फेस स्क्रब को यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ एक इंडियन कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।